हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फेस स्मूथ एडिटिंग करेंगे और ग्रीन टोन फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ये सिंपल फिक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं चेहरे पर ज़्यादा पिंपल है और ब्लैक है, तो इसको हम लोग सही करने के लिए यहाँ से सबसे पहले ऊपर उस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक लेयर बना लेना है। तो हम लोग लेयर को बना लेते हैं यहाँ से। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है उसी के बगल में। तो कलर पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो एच है फ्रेंड्स हम लोग का 25 पे है, देख लीजिए एच ये 25 है, तो इसको आप लोग 25 पे ही रखिएगा। और जो एस है फ्रेंड्स उसको आप लोग 100 पे रखिएगा। और जो एल है फ्रेंड्स उसको आप लोग को 87 पे रखना है। तो एस को 100 पे और एल को आप लोग को 87 पे रखना है। तो ये सेटिंग रखने के बाद आप लोग को इधर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग को एक ब्रश ले लेना है। तो हम लोग यहाँ से एक ब्रश को ले लेते हैं, ट्रेडिशनल में आप लोग को ए वाला ब्रश ले लेना है, देख लीजिए ए वाला ब्रश ले लीजिएगा। और आप लोग इसका सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग आप लोग को कितना रखना है। तो इसका ऑपेसिटी आप लोग फुल रखिएगा और साइज अपने पिक के हिसाब से छोटा या बड़ा कर लीजिएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे और कुछ इस तरीके से करेंगे पहले। तो देख लीजिए इसका ऑपेसिटी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कम करने के लिए उस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप लोग को लेयर पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेयर पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप लोग यहां से इसका ऑपेसिटी कम कर लीजिएगा। तो आप लोग इसका ऑपेसिटी 30 के करीब रखिएगा। तो हम लोग 30 के करीब रख ले रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से फेस को गोरा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से फेस को गोरा कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग फेस को गोरा कर लिए हैं, तो देख सकते हैं गोरा हो गया है। उसके बाद हम लोग इसको स्मूथ करने के लिए उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से लेयर पे क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से इसका ऑपेसिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग 30 पे ही रखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे, तभी हम लोग का फेस स्मूथ होगा। तो मर्ज कर दिए हैं। उसके बाद आप लोग को ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप लोग को लाइब्रेरी पर जाना है और स्मज वाले में फ्रेंड्स आप लोग को ए वाला ब्रश ले लेना है, देख लीजिए ए वाला ब्रश आप लोग को लेना है। और इसका आप लोग सेटिंग देख लीजिए, फ्लो को आप लोग को 2 पे रखना है और स्ट्रेंथ को आप लोग 3 पे रखिएगा। और इसका साइज अपने पिक के हिसाब से छोटा या बड़ा कर लीजिएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से जूम कर लेना आप लोग को भी। और नीचे इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग इधर करेंगे तो इसका साइज बड़ा होगा। तो हम लोग इसका साइज बढ़ा लेंगे और कुछ इस तरीके से आप लोग को गोल गोल करना है फ्रेंड्स। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग का फेस स्मूथ होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी आप लोग इस तरह की एडिटिंग कर पाएंगे। तो हम लोग फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फेस को स्मूथ करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको ओपन करेंगे एडोब लाइटरूम में। तो आप लोग इसका सेटिंग देख लीजिएगा, तो एडोब लाइटरूम ओपन कर ले रहे हैं। तो हम लोग के चेहरे पे ज़्यादा लाइट है, तो इसको सही करने के लिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो हम लोग लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद आप लोग इसका एक्सपोजर कम कर लीजिएगा 10 के करीब, -10। और इसका कंट्रास्ट आप लोग को 8 या 9 के करीब और हाईलाइट फुल कम कर दीजिएगा।
और शेडोज़ को फ्रेंड्स आप लोग को 20 के करीब कम कर दीजिएगा, और वाइट्स को फुल कम कर देना आप लोग को। और इसके बाद आप लोग यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो कलर पे क्लिक कर लीजिएगा और इसका टेम्परेचर 2 पे कम कर लेना है और टिंट बढ़ा देना है, और वाइब्रेंस को आप लोग 20 के करीब रखिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से ग्रीन पे आ जाना है, इसका ह्यू आप लोग को बढ़ा देना है और सेचुरेशन फुल कर देना है। उसके बाद आप लोग को येल्लो पे आना है। येल्लो पे आने के बाद आप लोग भी इसका सेचुरेशन फुल कर दीजिएगा और ह्यू को आप लोग फुल बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऑरेंज वाले ऑप्शन पे आएंगे, और फ्रेंड्स इसका हम लोग सेचुरेशन कम कर लेंगे यहाँ से -10 या 12 के करीब, और ल्यूमिनेंस को आप लोग अपने फेस के हिसाब से बढ़ाइएगा इसका ब्राइटनेस, और ह्यू को आप लोग +2 पे कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग को रेड वाले ऑप्शन पे आना है, इसका भी सेचुरेशन बढ़ा लेना है, ह्यू को कम कर देना है। और इसके बाद आप लोग यहाँ से डन कर लेंगे, और डन करने के बाद आप लोग को यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आना है शार्पनिंग पे, यहाँ पे इस पर क्लिक करने इसका शार्पनिंग बढ़ा दीजिएगा, और नॉइज रिडक्शन भी आप लोग को बढ़ा देना है, और कलर नॉइज रिडक्शन भी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आफ्टर यू बिफोर करके चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ से इस पिक को यहाँ से सेव कर लेंगे।